आयशा खान के अकॉर्डिंगली बिग बॉस 17 का विनर कौन बनेगा? भाई आयशा खान घर के बाहर आ चुकी हैं, इनका जो अवतार घर के अंदर मैं देख रही थी वो पूरा अवतार बदल चुका है। यानी कि घर के अंदर ये कुछ और ही थी और घर के बाहर आके इनकी असलियत दिखाई दे रही है। मुनव्वर फारूकी का नाम यूज़ करके घर के अंदर गई, उनके नाम को यूज़ करके इन्होंने अपनी पहचान बनाई। अब जो है ये कहीं कहीं तो दिखाई देती हैं और जब दिखाई देती हैं तो पैपराजी तो सवाल पूछेंगे ही, पर मुनव्वर फारूकी के बारे में अब ये बात करने से भी कतरा रही हैं। जो खुले आम बोल रही थी नेशनल टीवी पे जाके, इसने मुझे यूज एंड थ्रो किया, इसके साथ में घर में 2 महीने रही और पता नहीं क्या क्या। भाई वो बंदी जो है अब मुंबई की सड़कों पर खुले आम घूम रही है पर मुनव्वर का नाम नहीं लेना चाहती। भाई मतलब कि लेके आपने बहुत फायदा उठा लिया, अब क्यों लेगी? अब तो आखिर लेना ही क्यों है, पर कभी ना कभी जरूर लेगी। जब ठंडी पड़ने लग जाएगी आयशा खान की बातें तब जरूर लेगी, पक्का देखना आप। तो इनसे पूछा गया कि आपके अकॉर्डिंगली बिग बॉस 17 के विनर कौन है, तो इन्होंने बोला कि टॉप 2 में तो मैं मुनव्वर और अभिषेक को ही देखती हूँ। अभी तक अगर गेम के अकॉर्डिंगली देखे तो वो ही जो है दिखाई देते हैं, पर विनर अगर देखा जाए तो अभिषेक बन जाए अच्छा है। तो अंकिता का क्या कहना, अंकिता भी बन जाए, अंकिता बन जाए, अभिषेक बन जाए, कोई भी है, दोनों में से कोई भी बन जाए अच्छा ही है। तो पेपरासी ने यह भी बात पूछी कि आप बताइए कि भाई विक्की भैया को बाहर आते हुए वार्निंग मिली थी कि आप पार्टी नहीं करेंगे, तो आप उस पार्टी में गई थी तो क्या? तो इन्होंने बोला कि भाई मैं तो भाई बोलती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप भाई बोलती हैं, दूसरी लड़कियां तो आई थी उनका क्या है पार्टी में? तो बोलती हैं कि भाई उनका तो वो ही जाने, पति पत्नी ही जाने, उसके ऊपर मैं क्या बोल सकती हूँ। ये बात जो है आयशा खान ने बोल दी है। अब आयशा खान अब एक्चुअली में ये भी बात कह चुकी है, पूछा जब क्या तुम्हारी परफॉर्मेंस के लिए क्या तुम्हें बुलाया नहीं गया, क्या देख पाएंगे हम परफॉर्मेंस के लिए? तो आयशा ने बोल दिया कि नहीं, मुझे बुलाया तो गया था पर मैं गई नहीं हूँ क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। भाई तुम्हें क्या, तुम तो प्रॉब्लम तो तुम्हारी पहले से थी और तुम तो एक्चुअली में इस एपिसोड में तुम तो घर के अंदर रह के आ गई हो, अब तुम्हें बुलाया नहीं गया है। एक्चुअली में आयशा खान को बुलाया नहीं गया है, आयशा खान को स्टार्ट लास्ट के दिनों में बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया, उसको बिल्कुल भी जो है फोटेज तक नहीं दी गई। इवन आयशा खान को जो है जर्नी वीडियो में भी कहीं दिखाया नहीं गया है। हो सकता है कि मुनव्वर फारूकी की जर्नी वीडियो में दिखाना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते हैं क्योंकि वो ही तो आई थी पूरा मतलब कि बॉम्ब लेके। पर अब जो है इन्होंने झूठ बोल दिया है एक और कि भाई मेरी इमेज डूबे ना, पर हमें तो सच पता ना कि सच क्या है। बिग बॉस के मेकर्स जो है इस बंदी की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, बोली कुश्ती कर कुछ और रही थी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।